नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ प्रदेश के महोबा व मेरठ में अधिवक्ता के उत्पीड़न की घटना को लेकर बार काउंसिलिंग के आह्वान पर जनपद के अधिवक्ताओं ने विरोध दिवस मनाते हुए न्यायिक कार्य से विरत रहे और कलेक्ट्रेट क्षेत्र में जुलूस निकाला और जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। शनिवार को बार काउंसिल के आह्वान पर अधिवक्ताओं ने विरोध दिवस मनाते हुए न्यायिक कार्य से विरत रहे। इसके बाद अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट क्षेत्र में जुलूस निकालकर नारेबाजी करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे और जिलाधिकारी को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। इस दौरान अधिवक्ताओं ने कहा कि प्रदेश में अधिवक्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, जिससे वे आत्महत्या करने को मजबूर हैं। आज अधिवक्ताओं के ऊपर प्राणघातक हमले हो रहे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार अधिवक्ताओं के प्रति संवेदनशील नहीं है। उन्होंने सरकार से मांग किया है कि अधिवक्ताओं के संरक्षण के लिए कानून बनाया जाए, अधिवक्ताओं के उत्पीड़न की घटनाओं को रोक लगाने के लिए पुलिस को निर्देश दिए जाए। वह प्रदेश में मृतक अधिवक्ताओं के परिजन को 1 करोड़ मुआवजा, सरकारी नौकरी और आरोपियों को गिरफ्तार कर कठोर कार्रवाई की जाए। हमारी मांग यह है कि बार काउंसिल के आह्वान पर आज हम लोग विरोध दिवस मना रहे हैं और जिस तरह से अधिवक्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। हमारे मेरठ में अधिवक्ता जो है मेरठ में मुकेश पाठक जी और मेरठ के ओमकार तोमर जी और महोबा के हैं मुकेश पाठक जी। इन लोगों को इस तरह से प्रताड़ित किया गया कि वो लोग आत्महत्या पर मजबूर हो गए। आए दिन अधिवक्ताओं पर प्राणघातक हमले हो रहे हैं और तरह तरह से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है और यह सरकार जो है तनिक भी अधिवक्ताओं के प्रति संवेदनशील नहीं है और इतनी घटनाएं हो रही हैं उस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। इसलिए बार काउंसिल के आह्वान पर आज हम लोग विरोध दिवस मनाएंगे, न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे और सरकार से हमारी मांग है कि जल्द से जल्द अधिवक्ताओं के संरक्षण के लिए कानून बनावे, उनकी जो है पुलिस प्रशासन को निर्देशित करे कि अधिवक्ताओं के ऊपर इस तरह का जो अत्याचार और उत्पीड़न हो रहा है उसको रोका जाए और जो हमारे अधिवक्ताओं ने आत्महत्या किया है उनके हत्यारों को तत्काल गिरफ्तार करवाएं, उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करवाएं और उनके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दें और सरकारी नौकरी उपलब्ध करावें और आइंदा जो है इस पर अंकुश लगावें, अन्यथा हम लोग बार काउंसिल के आह्वान पर और बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर होंगे और इसका पूरा उत्तरदायित्व हमारे उत्तर प्रदेश सरकार का होगा। इसके लिए अगर कोई अप्रिय घटना घटती है, आगे और बात बढ़ती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी और पुलिस प्रशासन की होगी। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।